हे मारा राम। रे राजू। जी बाबू। कठे चल दिया। बाबू, पैसे दे दिए राजू को। ना ना छोरा, पैसा की बात ना कर। राजू, एक मारे पूरे परिवार की ना बढ़िया सी फोटो खींच दिए, और हाँ, दो कापी बनाए। जी। रे बाबू, बिल्कुल ठीक कहा तूने। भाभी की वैसी ट्रेनिंग पे जाने से परिवार थोड़ा बिखर जाएगा ना, तो इस बात पे फोटो तो बनती है। एक हमारे घर के लिए, एक भाभी के पुलिस एकेडमी में लगेगी। हाँ हाँ, हाँ भाई, हाँ भाई, खींच बढ़िया फोटो। आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। 11 महीनों के लिए मैं अपने परिवार से बिछड़ जाऊंगी। सब यही होंगे, लेकिन संध्या जी की कमी महसूस होती रहेगी। सब लोग ऐसे भावुक हो गए जैसे जिठानी जी का कन्यादान कर रहे हो। आप सभी लोग जरा मुस्कुराइए। हाँ संतोष, आजा सब्जी ले ले, ताजा सब्जी है। लो भाई, एक पाव दे दो। रे संतोष, एक बात तो माननी पड़ेगी, थे तो ना सोना की कलम से नसीब लिखा के आई हो। तीनू बेटा अपना पैरा पे खड़ा हो गया, दोनू बीड़नी दुकान संभाल रही है, और तीसरी बीड़नी पुलिस अफसर नहीं बनन जा रही है। एकदम सही बोला है तू। संतोष, तो दोनों हाथ से भी रुपया गिना ना तो कम है, लेकिन हर कोई संतोष की तरह जमाना के खिलाफ जाने की हिम्मत कौन रख सका। मारो तो यही मानना है कि घर की बीनड़िया बाहर न चाहे जितना भी झंडा गाड़ दो, गिनती को नहीं होवे, क्योंकि वह तो घर की लक्ष्मी होवे ना। घर का अंदर का काम में निपुण होना चाहिए। इस मामला में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। मेरी बीनड़ी घर आते ही सारो काम संभाल ली, और तो और घर का काम का साथ साथ सिलाई कढ़ाई बुनाई 40 लुगाई ना पीछे छोड़ देवे। मेरे लिए शॉल में कढ़ाई कर रही है, रकाल दिखाशी हूँ। इतनी सुंदर डिजाइन है, ऊपर से या और बोला कि पसंद नहीं आवा तो बता दियो, दूसरी बना देती हूँ। हाँ दाई साहब, ये तो सबको पता है कि तारी बीनड़ी की जैसे कढ़ाई कोई ना कर सके है, और बाकी के कामों में भी बड़ी चतुर है दाईसा की बिन्नी। दाल में छोंक भी लगावे ना तो चार घर में खुशबू पहुंच जाए। जैसे संतोष की संध्या बिन्नी बाहर अफसर नंबर 1 है, वैसे अपनी हनुमान गली की बिन्नी नंबर 1 ये दाईसा की बहू है। हाँ भाई, बहुत किस्मत वाली हूँ मैं। संतोष, ये हरी मिर्ची बहुत तीखी लग रही है, अभी ले लो थोड़ी सी। सूरज जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ संध्या जी, कहिए ना। संध्या जी, मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले मैं अपने पूरे परिवार को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊं। अच्छा, पूरे परिवार को अपने हाथों से?
संध्या जी, लेकिन अचानक से आपको ये खाना बनाने की क्या सोची? सूरज जी, मैं बाबू के चेहरे पर खुशी देखना चाहती हूँ। क्यों, बाबू उदास है क्या? संध्या जी, बाबू ने तो खुशी खुशी अमली के पार्लर का मुहूर्त करवाया और बाबू ने खुशी खुशी आपको ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाने की इजाजत दी। जानती हूँ सूरज जी, लेकिन मैं बाबू को अपनी बहू पर गर्व करने वाली खुशी देना चाहती हूँ। मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि अगर उनकी बहू पुलिस ऑफिसर बनने की काबिलियत रखती है तो घर संभालने की जिम्मेदारी भी वो अच्छे से निभा सकती है। वो अभी अभी सारी औरतें दाहिसा की बहू के लिए कह रही थी कि वो हनुमान गली में सबसे अच्छी बहू है, और उस वक्त मैंने बाबू के चेहरे पे एक मायूसी सी देखी। मैं दाहिसा की बहू की तरह सिलाई बुनाई कढ़ाई तो नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम अपने परिवार के लिए खाना बनाने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना। सूरज जी, मैं बाबू को इस बात का एहसास दिलाना चाहती हूँ कि अगर उनकी बहू सरकारी कुर्सी संभाल सकती है तो घर संभालने की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से निभा सकती है। संध्या जी, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन जरा आप ये सोचिए कि आपके पास टाइम तो है नहीं। बाबू को भी तो कितने सारे काम रहते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों समय खाना बनाने में मदद करती है, तो मैं अपने परिवार के लिए इतनी सी कोशिश नहीं कर सकती। मैं कल का खाना खुद ही बनाऊंगी। संध्या जी, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही है? लेकिन बाजार जाना है, इतना सारा सामान लाना है, आप 11 महीने के लिए जा रही हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं ना। सूरज जी, सामान तो सारा आ गया है और जो बचा कुचा था वो बाबू ने मंगवा लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही नहीं चाहते कि मैं खाना बनाऊं? नहीं संध्या जी, भला मैं क्यों ना चाहूंगा। मैं तो चाहता हूँ कि आप खाना बनाओ, लेकिन कहना कि आप बात को समझने की कोशिश करो। ये रसोई वसोई के काम में ना आपका हाथ थोड़ा टाइट है, और ऊपर से 10-12 बंदों का खाना, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप इतनी मेहनत करें और नतीजा कुछ ना मिले। इसलिए आप सूरज जी, आप ही तो कहते हो ना कि मेहनत अगर ईमानदार हो और लगन सच्ची हो तो नतीजा वही निकलता है जो इंसान चाहता है। मैं जाने से पहले साबित करके ही जाऊंगी कि मैं अच्छी रसोई बना सकती हूँ, और आप ना पुष्कर के जाने माने हलवाई वाली धौस मत दिखाओ मुझ पर। आपको मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अब तो मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं साबित करके जाऊंगी कि मैं बहुत अच्छी रसोई बना सकती हूँ। संध्या जी, आप बहुत जिद्दी हैं। एक बात को पकड़ लेती है ना तो जिद पूरी करके हटती है। अब देख रहा, वो पिछले दिनों में आपने वो शादी की जिद पकड़ी, वो पूरी की, अभी आपने कौन सी जिद पकड़ी है ये खाना बनाने की? सूरज जी, जिद अगर अच्छे काम के लिए हो ना तो जिद बहुत अच्छी मानी जाती है। मैं भाभा को बताकर ही आती हूँ कि कल की रसोई मैं बनाऊंगी, और आप देख लेना भाभा बहुत खुश होंगी। मैं जाकर आती हूँ। खाली लिफाफे से के होगा काना? थारे चाचा सा को ये भी ना पता था कि इकलौता भतीजा है, उठा के ये 250 रुपल्ली दे दिए। हमारी 22 साड़ियां लेने के बाद और बदले में क्या दिए? जरी गोटे का भी भाव ना दिया कुछ। काना, जरा अपने बाबा से पूछ तो सही कि उठा के ये अपनी 22 साड़ियां क्यों दे दी? देनी थी तो 1-2 दे देते, उठा के पूरा का पूरा बंडल ही दे डाला। अरे दिया तो दिया, मगर किसको दिया? उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे वो काना कट पीस सेंटर किया, सब नहीं तोड़ डाला, छीन लिया हमसे। क्यों दी थी साड़ियां बताओगे मारे को जरा? मतलब तूने भगवान की कसम खा रखी है ना, ये नहीं सुधरेगी। रुपए जिस मोहित और अमली से जल के तू ये जो तेरा और मेरा कर रही है ना, हमारे काना के खोने पर उनके चेहरे पर दर्द देखा था मैंने। उसे ढूंढने के लिए जो तड़प थी ना, उसे भी अनदेखा नहीं कर पाया मैं। तेरी तरह मेरा घर परिवार भी तेरा और मेरा करने पे उतर आता ना, तो अपना काना थोड़ी ना मिलता। नहीं मिलता अपना काना, और बल्कि पता भी नहीं कि मिलता कि नहीं मिलता। अभी जिस दुकान की वजह से हमारा बच्चा इतनी परेशानी में रहा, थारा दिल अभी भी उसी दुकान में अटका है। कंट्रोल कर रहा हूं मैं, समझ रही है तू? एक बात को मैं कान में अच्छी तरह डाल ले, मोहित मेरा छोटा भाई है। मोहित और अमिली के लिए मेरे दिल में कुछ गलत नहीं है, भाई है वो मेरा, बचपन से लड़ाइयां होते आ रही है। प्यार ना आज भी जिंदा है मेरा उसके लिए, और हमेशा जिंदा रहेगा। तो ये ना छोटे मोटे मन मुटाव है सिर्फ। अगर तू ये सोचती कि ये छोटी मोटी लड़ाई
दुश्मनी में बदल जाएगी तो नहीं। तो भाइयों के बीच में ये जो तू दरार डालने की कोशिश कर रही है ना, तो इधर देख, मत कर, समझ रही है? अच्छी तरह समझाऊं? चुप चुप चुप। तब एक और शब्द बोला ना अगर तूने, तुझे कैंची तूने वो तोहफे में दिया ना एमिली को, उसका उद्घाटन थारी जबान काट के करूंगा मैं। संध्या भिनी, 11 महीने तो तने बाहर का खाना खाना है, तने जो भी पसंद हो ना मारे को बता दे, मैं थारे वास्ते बना दूंगी। बाबू, आपके हाथ का खाना तो हम सब हमेशा ही खाते हैं। वो मैं चाहती हूँ कि कल का खाना मैं अपने हाथों से बनाऊं। हाँ? क्या भाभी आप खाना बनाएंगी? हाँ चतुरी। बाबू मैं सही कह रही हूँ, कल का खाना मैं अपने परिवार के लिए खुद बनाना चाहती हूँ। जाने से पहले मेरी ये इच्छा है बाबू। बीनी, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जिसका काम उसी को साजे, और करे ना तो डंका बाजे। ना ना बीनी, जे रसोई का काम थारे से कोनी होवे। बेलन हाथ में उठाने से रोटियां डरकर अपने आप फैल नहीं जाती, बेलनी पड़े नी? जे सब तो रहने। नहीं बाबू, मैं कर लूंगी, आप मुझे बस एक मौका दीजिए ना बाबू, मैं सब करके दिखाऊंगी। बाबू प्लीज। संतोष, इतना मन से कह रही है तो बनाने देना। ये संध्या बहनी अपने मन से एक हाथ चीज बना लेगी, उसे भी खुशी मिलेगी और थारी भी परेशानी बच जाएगी। बाबू साहब, मैं कोई एक हाथ चीज बनाने की बात नहीं कर रही, बल्कि कल की सारी रसोई मैं ही बनाऊंगी बाबू। घर का खाना, घर में जो भी बनता है, रोटी दाल चावल मीठा और जो भी आपको खाना होगा ना, सारा खाना मैं बनाऊंगी। अरे नहीं बेटा, अभी तने इतना पेकिंग वेकिंग करनी है तो एक हाथ चीज बना। ताना, मैं थारा खाना ही खाऊंगी कल। बीनी, थारी तबीयत तो ठीक है ना? बावले होने की जरूरत ना है बीनी। वो देख बीनी, ये थारी पढ़ाई की तरह ना है कि तू रात भर जग करके ना रट्टा मार लेगी। हम लोग बरसा से रसोई बनावे है ना, इसलिए आराम से खाना बन जावे है। देख बीनी, अगर तू रसोई में घुसी ना तो रसोई डर कर आंगन में आ जावेगी। भाबू, वो कहते हैं ना कि कोशिश अगर ईमानदारी से की जाए तो सब संभव हो जाता है। मैं भी कर लूंगी भाबू। मगर भाबू, इनकी कोशिश का नतीजा तो हमें भुगतना पड़ेगा ना। ठीक है बीनी, अब इतना ही जिद करे है ना तो बना ले कल की रसोई। पर कल रसोई में के बनाएगी ना वो भी सुन ले। दाल पालक, भरवा मिर्ची, लहसुन की चटनी और हाँ बाजरा की रोटी। संतोष, मीठे में मूंग की दाल का हलवा बना लिए। और हलवे में बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश ये डालना मना भूलिए। बढ़िया सा घी डाल करके एक बढ़िया सा हलवा बनाए। खाना बनाने का बड़ा चाव चढ़ा है ना, तो ये भी बना लिए।
मैं बना लूंगी भावो। अब भावो कल उपवास ही रखवाना है तो तिथि बता दो कि किस भगवान की पूजा करनी है। ऐसे कैसे बना पाएंगे? हाँ भावो, संध्या भाभी इतनी सारी चीजें अकेली कैसे बनाएंगी? वही तो मैं कह रही हूँ। अरे वाह संतुड़ी, संध्या भी इन्हें रसोई बना रही है? यह तो बहुत ही तगड़ी खबर है। पर यूं के बिननी, मेरे से क्या दुश्मनी है तेरी? जो अपना हाथ को खानो खिलाना को नहीं तो कौन दीवाना? नहीं दाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी आइएगा ना। जी हुई ना बात, रे दिल खुश कर दी मारो। मारी जीप तो अब भी से चटकारा भरे लागी। 2 साल होगा संतोष जी से अन्नपूर्णा के सागर रहते, अब तो बहुत कुछ सीख गयो सी ना तू। भैया मना तेरा हाथ का बैग गुलाब जामुन याद है जो तू प्रतियोगिता में बनाई थी? रे कोई का माथा में देखा मार देवे ना तो घूमड़ो निकल आवे। ये कहां से आ गई ऐसा? हाँ मिश्री बेटा, आई तो थी तेरो खिलौना ढूंढना। खाना को न्यू तो लेकर जा रही हूँ, वो भी राठी परिवार की बड़ी बहू का हाथ को। और हाँ संतोष, मैं इतनी स्वार्थी भी कोनी है कि एकली आ जाऊंगी। अगर कोई ने बता सू कि संध्या बिननी खानो बनाई है तो कोई विश्वास कौन करे ना? तो मैं आज ही जाकर सबने न्यूतो दे आऊंगी कि सबकी दावत है राठी परिवार का और पुलिस अफसर ने खानो बना रही है। तो सबने जरूर जरूर आना, नहीं तो संतोष नाराज हो जाओगी। ठीक है चल। बाबू, मैं सबके लिए खाना बना लूंगी। बना लेना, सबके लिए बना ले। खाना बनाना है, खाना बनाना है, और जोर से चिल्लाए। अब तक तो ना हनुमान गली में ही न्योता पहुंचा है, जयपुर तो छूट ही गया ना। अरे भाई भाभी नहीं बुला ले जयपुर से? ये मारा राम जी, मारा ही कर्म फुटेड़ा है। रे दाईसा के कान ना मारे घर की दीवारों पर चिम्बक की तरह चिपके ही रहे, नाक कटाने में कोई कसर को नहीं छोड़ो। जाओ अब के करा, जा खसाई करवानी है ना तो होन दो। जा जाकर कह आपके बींद ने कि सिखाओ जी। हा? तने तो ढंग से सब्जी भी काटने को नहीं आवे, खाना कहिया बनाएगी? मैं के कह रही थी भाबो, जिठानी जी आप ना कोई बहाना कर दो, जैसे कि पेट में दर्द है वो कह दो। पूरी हनुमान गली में ना मैं बोलाऊंगी कि आप बीमार हो, आप ना बना पाओगे, झूठ बोल दो। मैं तो कहती हूँ हाँ। सबको अपने जैसे समझ रखा है क्या इन्होंने? हाँ चुप। ते मारा झूठ की मास्टर नहीं है तू, जे तुम्हारी नाक कटवाएगी तू एक काम कर, मारी गर्दन ही कटवा ले। नहीं बाबू, आपकी नाक बिल्कुल नहीं कटेगी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। अगर मेरे गुरु का आशीर्वाद रहा ना तो सब बहुत अच्छे से हो जाएगा। जानू भी बहुत बड़े हलवाई की धर्म पत्नी है ना तू, पर बीननी सिखाने वाला भले ही कितना ज्ञानी हो पर सीखने वाले में भी तो ललक होनी चाहिए ना। मन तो लागे है कि अपने साथ साथ
अपने गुरु की भी नाक कटवा कर रहेगी तू। भावो, जब गुरु रसोई के उस्ताद हो तो फिर तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, अपने गुरु पर बड़ा भरोसा है थारे को? हाँ भावो, मेरे गुरु भरोसे का दूसरा नाम है। भावो, रसोई के काम में मुझे आपसे अच्छा गुरु कहाँ मिलेगा? मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।